हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि पेट फूल जाता है, या कई आता है कि उनको ब्लॉटिंग होती है, पेट में दर्द रहता है, कुछ भी खाते हैं उससे पेट फूल जाता है, कुछ एक आते हैं कि वॉमिटिंग भी फील होती है उनको, रैचिंग फील होती है। तो ये सब जो होता है वो एक्चुअल में, इसको हम मेडिकल टर्म में डिस्पेप्सिया कहते हैं, और डिस्पेप्सिया या हाइपर एसिडिटी या इसको रिफ्लक्स सिम्टम्स हम कुछ भी कह सकते हैं। तो एक्चुअल में ये पेट क्यों फूलता है, आज विस्तार में इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू, डायरेक्टर GI मिनिमल एक्सेस एंड बेरियाटिक सर्जरी एट CK बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग। तो ये डिस्पेप्सिया एक्चुअल में होता क्या है, कैसे ये प्रेजेंट करता है पेशेंट, क्या इसके पीछे कारण होते हैं, और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें डॉक्टर की सलाह चाहिए तो हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका क्या इलाज है। बेसिकली डिस्पेप्सिया जो होता है एक तरह की ब्लॉटिंग होती है जिसमें हाइपर एसिडिटी होती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो मोटे मोटे तौर पे हम ये कहते हैं कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो जिसके अंडरलाइन डिजीज़ होती है, इसको हम इंटरनल प्रॉब्लम कहते हैं, और एक हम कहते हैं इट कैन बी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रॉब्लम। इसके लिए हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए। हम जब खाना खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मुंह से खाना खाते हैं, पेट में जाता है तभी हमारा खाना स्टार्ट होता है। एक्चुअल में जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो मुंह के साथ साथ ब्रेन का इस्तेमाल भी हमें उसमें करना चाहिए। जैसे ही खाने के बारे में हम सोचते हैं, पहले जो नॉर्मल फिजियोलॉजी हमारे खाने की होती है कि हम पहले खाने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे ब्रेन से कुछ तरह के ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि रिफ्लक्स मैकेनिज्म से होते हैं, जिससे हमारा मुंह में सलाइवा बनता है या अंदर हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उससे हमारा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है। तो अगर हम पहले सोचते हैं खाने के बारे में, तो ये सब चीज़ें जो हैं रिफ्लक्स जो मैकेनिज्म हमारे ब्रेन में होती हैं। तो जब भी खाना खाना है तो हमारे ब्रेन और मुँह दोनों का इस्तेमाल इकट्ठा करना है। जैसा ही ब्रेन का भी फोकस अगर खाने पर होगा साथ में, तो मुंह में सलाइवा ज़्यादा बनेगा, वो एल्कलाइन सलाइवा होता है, उसके साथ जो है खाना मिक्स होके अंदर जाएगा, उसके बाद प्रॉपरली उसको च्यू करना है, और च्यू करने के बाद में उस खाने को स्टमक में लेके जाते हैं जहाँ पे जो एसिड होता है उससे मिक्स होके एल्कलाइन सलाइवा मिक्स होता है, जिससे एसिडिटी उसकी कम होती है, डाइजेस्टिव जूसेस आगे बनते हैं, और इस तरह से खाना खाया जाता है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है। तो मोस्टली क्या देखा गया है कि मोस्टली पीपल आज के ज़माने में, हम पहले की बात नहीं कर रहे, आज के ज़माने में जब भी खाना खाना शुरू करते हैं तो उसमें मल्टीटास्किंग काम करते हैं। जैसे खाना खाते हैं साथ में, या मोबाइल की स्क्रीन चल रही है, या टीवी स्क्रीन चल रही है, या किसी से बातें चल रही हैं, और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारा ब्रेन डाइवर्ट होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब जो खाने पर फोकस मुँह का तो है, लेकिन ब्रेन का फोकस नहीं है। तो जब ब्रेन का फोकस नहीं है तो ना सलाइवा अच्छे से स्क्रीट होगा, ना अच्छे से आप च्यू कर पाओगे, ना हॉर्मोन्स अच्छे से बनेंगे, तो फिर वो जो खाना है उसका डाइजेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना कि जब ब्रेन का इस्तेमाल करें तो उससे होता है। तो ब्रेन और माउथ दोनों अलग अलग चलते हैं और हमें इनडाइजेशन हो जाता है। इसको कहते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया, यानी अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खाने की हैबिट तरीके की वजह से हमें डिस्पेप्सिया या हमारा पेट फूलता है या ब्लॉटिंग हो रही है। दूसरा होता है इंटरनल डिस्पेप्सिया, यानी कि इंटरनल डिस्पेप्सिया में अंदर कोई ना कोई इलनेस होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। उसमें हमारे स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो हमारा स्टमक है वो चारों तरफ से बाकी ऑर्गन से घिरा होता है, उनकी किसी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टमक की क्या हो सकती है, स्टमक का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अगर स्टमक का इन्फ्लेमेशन है, उसकी जो म्यूकोजा इन्फ्लेम्ड है, तो हमें ब्लॉटिंग होगी, तो हमें इंडाइजेशन होगा, या फिर गैस्ट्रिक अल्सर बने हुए हैं वहाँ पे जैसे ही जाके खाना लगता है तो उससे आपको पेन, ब्लॉटिंग, डिस्पेप्सिया, नौशिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। और या फिर हमारा जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में वॉल्व है वो अगर लीक है, क्योंकि वो वन वे वॉल्व होता है, खाना ऊपर से नीचे जाता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आता, अगर वो लीक है, या जिसको हम लेक्स LES कहते हैं, हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर अगर लीक है, लेक्स है, प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा, तो भी जो एसिड मिक्स फूड है वो उसके दौरान ऊपर चढ़ता है, एसिडिटी होती है, हमारे हार्ट बर्न हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है,
आपको शावर टेस्ट गले में लग सकता है, खट्टा पानी गले में आ रहा है ऐसा लगता है। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से, कफ होनी शुरू हो जाती है, क्रॉनिक कफ, लेकिन उसका इलाज नहीं मिल पाता और पता चलता है कि वो जो एसिड है वो गले में मुंह में आ रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से मुंह में छाले भी हो जाते हैं। तो ये है स्टमक की प्रॉब्लम के कारण जो डिस्पेप्सिया होता है। अब है कि जो स्टमक के आसपास जो ऑर्गन है उसमें किसी में प्रॉब्लम हो सकती है। स्टमक के पास में क्या है, सबसे ऊपर लिवर है, अगर फैटी लिवर है उसमें भी ब्लॉटिंग हो सकती है। फिर हमारा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स हैं या उसकी वॉल इन्फ्लेम्ड है तो उससे भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। उसके नीचे हमारा ड्यूडिनम है, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन है यानी कि ड्यूडेनाइटिस है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर पैनक्रियाज है, अगर पैनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन यानी पैनक्रियाटाइटिस है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर स्प्लीन है, अगर स्प्लीन में स्वेलिंग है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर इंटेस्टाइन है, अगर इंटेस्टाइन ब्लॉक पड़ी हुई है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉटिंग हो जाएगी। या फिर इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन है जैसे क्रोन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है कोलोन का, तो उसमें भी इस तरह का जो है डिस्पेप्सिया, ब्लॉटिंग और ये सारी प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी वाली प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अगर ये सब प्रॉब्लम है तो इसके लिए हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे हमें पता चल जाता है कि हमें ब्लॉटिंग का कारण, जैसे अगर इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं पहुँच रही, इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी तरह का अगर गैस्ट्रिक कैंसर है या कोई पेट में कोई और प्रॉब्लम है, कोई ट्यूमर स्टमक को प्रेस कर रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। और या फिर पेशेंट को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में स्टमक की मोटिलिटी कम हो जाती है उसमें हो सकता है। थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड है, उसमें भी कई बार ऐसे होता है। प्रेगनेंसी में भी इस तरह की ब्लॉटिंग या डिस्पेप्सिया देखा गया है। तो ये सारे कारण हैं कि हमें ब्लॉटिंग क्यों होती है।